अंगे अंगे सुमनो घज बेसा सुन घूमे हो रघु पीर जपाला यही मृग करे अति सुंदर छाला पग पग करता जगमग करता जंगल को नकोना सलोना आया मृग सलोना लोना आया मृग सलोना मामा मारीच ने वही किया पर्दा ऐसा मृग बनकर के मामा मारीच पहुंचे जिस मृग की छाला देखने में सोने की तरह लग रही है और सीता मैया का ध्यान इस मृग की ओर गया। आप इस मृग को देख रहे हैं, मैंने ऐसा मृग आज तक कभी भी नहीं देखा जितना ये सुंदर मृग है। मानो इसकी छाल सोने की तरह लग रही है। हे स्वामी, आप इसकी मृग छाल लेकर आए। हे नाथ, मृग ऐसा देखा ना सुना जैसा ये सुघर सलोना है। देखो तो शरीर से ये पावे तला सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लावो इसकी खाल लावो इसकी तो कुटिया का श्रृंगार होगी। ये सोने के मृग की मृग छाला क्या अद्भुत यादगार होगी। ये भैया छलिया निश्चरिया वो वेश बनाया जाते हैं। ये धोखा करने की हाँ बात यहाँ वो हर दम कर दिखलाते हैं। धोखा करने की तुम सावधान हो कर लेना सीता की रक्षा करना। तुम हो किसी तरह का दुख नहीं हो किसी तरह का दुख नहीं कहे ना ये मेरा करना। तुम हो किसी तरह का सीता केरी करो रखवारी बुद्धि विवेक बल समय बिचारी। मैं जा रहा हूँ इस मक्का खेत करने के लिए, तुम सीता की रक्षा करना और कुटिया में ही रहना। जो आज्ञा महाप्रभु। राम जी ने धनुष बाण उठाया और मायावी मृग के पीछे आज मायापति चल पड़े। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजू धाये नाम सरासन साजू निगम ने तिशिप ध्यान न पावा माया मृग पाछे सो धावा कबहु निकट पुन दूर पराई कबहु प्रकट कई कबहु छुपाई प्रकट तुर करत चल पूरी कही बिच प्रभु ही गय बुले दूरी तब तक राम कठिन सर मारा धरन पर कर भोर पुकारा लक्ष्मण कर पत पहले नामा पाछे सुमिरस मन बहु रामा। राम जी ने जिस समय मृगा को बाण मारा
मरने से पहले उसने बड़ी जोर से एक आवाज लगाई, हे लक्ष्मण मुझे बचा। राम जी की आवाज बनाकर के मारीच ने आवाज लगाई कि हाय लक्ष्मण मुझे बचाओ। तो सीता मैया को लगा कि ये तो मेरे स्वामी की आवाज है, जरूर कोई संकट में होंगे। आरती गिरा सुनी जब सीता, कहे लक्ष्मण सुनो परम सभीता। हे भैया लक्ष्मण, कहे माते क्या तुमने यह आवाज सुनी? अवश्य, यह आवाज तो लगता है तुम्हारे भैया की है, और मुझे लगता है तुम्हारे भैया किसी घोर संकट में फंस गए हैं। और आप हैं लोकेंद्र राजपूत मांझखोर, कपिल भाई छतरपुर और नीरज विश्वकर्मा, आप तीनों मित्रों की ओर से ये स्पेशल मृगा के लिए प्रदान है, धन्यवाद। तुम अति शीघ्र उनकी रक्षा में जाओ लक्ष्मण। ही लक्ष्मण, देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं, भाई के थके हुए बाजू भाई की राग देखते भगवान न जाने कितने दुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणे से इस समय दुख में। तुम अति शीघ्र अपने भैया की रक्षा में जाओ देवर। ही लक्ष्मण, जाओ भैया जल्दी जाओ, भैया के प्राण बचा जल्दी।
लक्ष्मण अति शीघ्र रक्षा में जाओ। नहीं मैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपका सिर्फ एक भ्रम है, इस भ्रम को दूर कर दे मेरी माँ। अरे आप कह रही हैं लक्ष्मण जाओ, तुम्हारे भैया पर संकट है, ये कभी नहीं हो सकता। भृगुटि विलास सृष्टि लय होई, अरे सपने उस संकट परे किसोई। मेरी मैया जिनकी एकमात्र भाव टेढ़ी हो जाने से इस सारे संसार पे प्रलय आ जाता है, क्या उन महाप्रभु के ऊपर कभी सपने में भी संकट आ सकता है? और फिर इस संसार में किसी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं, इतनी शक्ति नहीं जो उनको कष्ट में डाल सके। किसका साहस है हे माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा, ये सूरज जिस जगह हाँ प्रकाशित है, कब वह अंधेरा छाएगा। सूरज दुख है, कष्ट है, संकट है, अच्छा माना ये दुख आया भी होगा क्या, पर दुखी नहीं कर पाएगा, पर दुखी नहीं कर पाएगा, अच्छा माना दुख आया भी, पर दुखी नहीं पाएगा, क्योंकि आनंद कंद के दर्शन कर, आनंद कंद के दर्शन कर, सुख का स्वरूप बन जाएगा, आनंद कंद के दर्शन कर। और फिर मेरा मेरा इस समय धर्म या है, मैं रहूं आपकी रक्षा पर, मैं रहूं आपकी रक्षा पर, क्योंकि सर्वस्व छावर है मेरा, सर्वस्व छावर है मेरा, भाई की अपनी आज्ञा पर, भाई की अपनी आज्ञा पर, भाई की अपनी आज्ञा पर। ये वन विशाल, ये व्याज्ञवाल भय चारों ओर घनेरा है, माँ तुम्हें अकेला छोड़ू मैं, कर्तव्य नहीं है मेरा, आप मुझे क्षमा करें। बस मैंने तुम्हें समझ लिया। क्या मैया? तुम घर से कुछ ना कुछ अवश्य स्वार्थ लेकर आए हो लक्ष्मण, मैंने तुमको जान लिया है। ये क्या कह रही है? और क्या जाना है, तभी तो कहना पड़ गया भैया लक्ष्मण, अभी तो मैंने जाने लिया। क्या जान लिया मेरी माँ? जाने लिया, जाने अभी तो मैंने यह जान लिया, अभी अभी तो मैंने यह जान लिया, अभी तो मैंने यह जान लिया, मत लपका भाई कहीं मेरी मैया। घर
तुम बनने आए, घर से जो तुम बनने आए। माता तुम मुझे समझते हो, माता तुम मुझे समझते हो। बस लक्ष्मण तुम स्वार्थी हो, अबस कुछ ना कुछ स्वार्थ लेकर आए हो। मरम बचनी जबी सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। ये क्या कह रही हैं आप? तुम घर से जो बन आए हो कुछ मतलब और तुम्हारा है? अरे ऐसा तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। अरे मैं तो आया था कि आपके चरणों की सेवा करूंगा, अपने भैया के चरणों की सेवा करूंगा, लेकिन आज आप कह रही हैं कि लक्ष्मण तुम घर से जो बनाए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। और आपने कहा यदि माता मुझे समझते हो, हाँ हाँ मैया, मैं आपको ही तो माता समझता हूं। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मेरे भैया के सिवा इस संसार में मेरा कोई नहीं है। अरे मैं तो अपने भैया के आदेशों का पालन कर रहा था, परंतु आप यदि बार बार हट कर रही हैं, तो हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम ही। मेरे इस धर्म नाव के अंदर हे सूर्य देव मल्लाय तुम्हें आज्ञा पालन करता हूं। अरे बस इतना ही संतोष मुझे, रघुराई अगर उलहना दे तो मेरी माँ, बस कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता मैं जाता हूं, आपकी आज्ञा को स्वीकार करके मैं अपने भैया के सन्मुख जा रहा हूं। परंतु मेरा आपसे एक प्रार्थना है, प्रार्थना यह है कि जब तक मैं महाप्रभु को लेकर के आपके सन्मुख ना जाऊं, तब तक जिस प्रकार से ये लक्ष्मण आपकी रक्षा और सुरक्षा कर रहा था, मेरे ना रहने पर ये मैं एक रेखा खींच के जा रहा हूं। आप इस रेखा के बाहर मत आइएगा, ये रेखा आपकी उसी प्रकार से रक्षा करेगा जिस प्रकार से ये लक्ष्मण कर रहा था। मेरा आपसे यही निवेदन है। और इस रेखा को जो भी पार करने की कोशिश करेगा तो होगा क्या, इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्ण कुटी में आएगा, अरे है यार, उसे इस लक्ष्मण की वो यही भस्म हो जाएगा। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मैं उन्हीं महाप्रभु के पास जा रहा हूं। देखिए लक्ष्मण भैया जाने को तैयार हुए, इसमें लक्ष्मण जी की अपनी कोई इच्छा नहीं है। मरम बचन जब सीता बोला तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। जब सीता मैया ने मरम बचन बोले भैया लक्ष्मण को, तो इसके बाद हृदय डोल गया। किसकी इच्छा से हृदय परिवर्तन हो गया, नहीं जाना था लेकिन जाने को तैयार हो गए। हरि प्रेरित यानी राम जी की प्रेरणा से, उन्हीं की इच्छा से भैया लक्ष्मण जाने को तैयार हो गए। अब यही तो महाराज रावण चाहते थे। सुनसान हो गया, सुन बीच दस कंधर देखा,
आवा निकट जति के बेसा, जोगी का बेस बनाया और महाराज रावण जोगी बनकर के सो तसीस स्वन की नाई इत उत चितई चला भड़े आई। शुद्ध बुंदेली भाषा में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, भड़े आई जिस समय चोर चोरी के लिए जाता है तो इधर उधर ताकते हुए झांकते हुए जाता है, आज वही स्थिति महाराज रावण की है। वेश बना कर खेल दिखाने मां कुचुराने आया रे जोगी, आया रे आया रे जोगी, 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 आया रे। वो दोनों तपस्वी उस मायावी मृग के पीछे चले गए। सीता अब कुटिया में अकेली है, अब मैं सीता के पास जाऊंगा, भिक्षा मांगूंगा और उसका हरण करके लंका ले जाऊंगा। वो लोग नहीं जानते कि मुझे भी रावण कहते हैं, लेकिन मैंने ये साधु का वेश बनाया है तो उसका अवकरण भी करना होगा। क्यों ना मैं प्रभु का नाम लेते हुए आगे की ओर बढ़ूं। उमर का पंछी उड़ता जाता मन का है हरि नाम ना गाता है। उमर का पंछी उड़ता जाता उमर का पंछी उड़ता जाता मन का है हरि नाम न गाता हो। उमर का पंछी उड़ता जाता उमर का पंछी उड़ता जा। मैं कुटिया के समीप आ गया, अब मुझे भिक्षा मांगनी चाहिए। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, हे मैया मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, मैं महाराज दशरथ के दर का भिखारी हूं। मैंने सुना कि उनके कुछ परिवार के लोग यहाँ ठहरे हुए हैं, तो इस आस में मैं आपके पास में आया हूँ। माँ आप मुझे भिक्षा दें। अवश्य महात्मन, कुटिया के अंदर कुछ फल रखे हैं, मैं अति शीघ्र आपके समीप में लाती हूँ। हे मैया, हाले माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। Thank you.
को पिलाना अपने गम का नहीं अधिकाना, थोड़ी पानी भी मुझको पिलाना अपने गम का नहीं अधिकाना, हाल माता तुम्हें क्या सुनाना अपने गम का नहीं अधिकाना। हे महात्मन अब आप हाल मत सुनाइए, मैं देखकर समझ रही हूँ, अति शीघ्र फल लाती हूँ। बिल्कुल आई लीजिए महात्मन। लाइए। ये अचानक अग्नि प्रज्वलित होगी, वह छोटा तपस्वी गया तो गया लेकिन अपनी माया का जाल फैला गया, वो ये नहीं जानता कि ये रावण है। लेकिन मुझे हाँ विचार आया, क्यों ना मैं सीता को ही इस रेखा के बाहर बुलाऊं। हे मैया आप एक साधु को बंधी हुई भिक्षा दे रही हैं माँ, मैं इस भिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था कि बेटा कभी भी बंधी हुई भिक्षा नहीं लेना, यदि आपको भिक्षा देनी है तो आप इस रेखा के पार आए देवी। हे महात्मन मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि मेरे देवर कसम दे गए हैं। कौन सी कसम? आप श्रवण करें। बिल्कुल। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए गए।
भैया, मैं समझ गया कि आप मुझे भिक्षा देना नहीं चाहती, तभी आप ये बातें बना रही हैं। ठीक है, यदि आप भिक्षा नहीं देंगी तो मैं आगे जाकर के कहीं और मांग लूंगा। आप अपने धर्म का पालन करें, मैं भी अपने धर्म का पालन करता हूँ। अरे रुकिए रुकिए महात्मन, क्योंकि एक स्त्री का परम धर्म होता है गृहस्थी धर्म। यदि आप यहाँ से भूखे चले जाएंगे तो मेरा गृहस्थी धर्म ही चला जाएगा। अब लाज केवल गृहस्थी की है तो मैं रेखा का उल्लंघन करके आ रही हूँ। अब देवर की आन रहे न रहे ही